गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 8th में आपका स्वागत है। देखिए अपन संख्याओं के बारे में मेन बात यह है कि अपन को संपूर्ण जानकारी होगी तो ही अपना पढ़ने का महत्व है। अपन सभी चीज़ें पढ़ रहे थे, संवृत तक गुणधर्म पढ़ा, अब इसके बाद भी अपन पढ़ रहे हैं क्रम श्रेणी का। पूर्ण संख्याओं में पढ़ा, पूर्णांकों में पढ़ा, संवृत का नियम, अब परिमेय संख्याओं में संवृत का नियम पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं संवृत का नियम क्या है, तो ये भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। पूर्णांकों में वही बात है, संवृत अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्याओं में आपको पता है कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो पाँच अभी ये भी परिमेय है और कितना है सात, परिमेय प्राप्त होगी। बढ़ने वाली संख्या में एक बटा दो भी एक बटा तीन जोड़ेंगे, छः दोनों को जोड़ेंगे, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। इसका बाद इसको देंगे तीन बार तीन को एक से गुणा करेंगे, तीन प्लस तीन का बार कर देंगे दो बार और एक से गुणा करेंगे पाँच बटे छः, ये भी परिमेय प्राप्त होगी। अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें और परिमेय ही प्राप्त होती है तो समृद्ध नियम का क्या होता है, पहला बोलते हैं समृद्ध नियम। अब देखते कोई भी दो परिमेय संख्या परस्पर घटाया जाए दो बटे माइनस एक बटा घटाएंगे या तो लेस ले लो तीन, तीन लेस में तीन का भाग तीन में दिया एक बार एक को दो से गुणा करेंगे दो, माइनस तीन का भाग तीन में दिया एक बार तीन, तीन का भाग तीन में देंगे एक बार जाएगा एक को एक से गुणा करेंगे तो दो जाएगा, दो में से एक घटाया एक बचेगा बटे में तीन, ठीक है तीन तो यहाँ भी होगा संवृत नियम का परिमेय संख्याएं हो और उनको आप गुणा करेंगे तो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो। ठीक है, मान लीजिए एक बटा दो तीन बटे पांच गुणा किया तीन पांच दस, ये भी परिमेय संख्या ही है। ठीक है, आप देखिए भाग भाग में समृद्ध नियम का पालन
होता है, परंतु शून्य में नहीं होना। या फिर भाग में समृद्ध नहीं होता है, ये भी लिख सकते। अरे बस सुनिए कि यहाँ एक अपवाद पाया गया है, एक है जो नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, भाग में समृद्ध होता है परंतु शून्य को छोड़कर। अगर जीरो बटे में आ गया, जीरो परिमेय संख्या है, मैंने पांच में जीरो को आ गया, या फिर स्मृति कड़क भाषा में अपन बात करें, ये भी लिख सकते हैं भाग में संवृत्ति को पालन नहीं होता। ठीक है, आप देखिए परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता का पालन। आप इन नियमों की सारी व्यक्तियों को पढ़ भी सकते हैं, क्रम विनियोगता, क्रम विनियोगता। देखिए परिमेय संख्या, इसमें पहले ले लेते हैं योग। आप जोड़ में आप जानते ही हैं, चाहे दो प्लस तीन करिए, चाहे तीन प्लस दो करिए, चाहे एक बटा दो को पहले लिख दो, चाहे पांच बटे दो को पहले, कोई भी दो संख्याएं हैं उनमें आपस में क्रम बदल दोगे, क्रम विनिमयता का क्या होता है, पालन होता है। पालन इसमें पांच प्लस दो कुछ चीजें अपन पहले भी पढ़ कर गए हैं, सातवीं क्लास में भी बिंदुओं के सवाल पढ़ेंगे, आठवीं क्लास के अंदर भी बिंदुओं के सवाल पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और अपन चलेंगे पढ़ेंगे, शुरुआत है हर समान है और समान सिलाई जोड़। अब देखिए नंबर अगला है घटाओ व्यवकलन, पालन नहीं होता है। देखो ये बटे वाली तरफ की सभी परिमेय संख्या में 10 माइनस 4 है, 6 है। अब आप 4 माइनस 10 कर देगा तो माइनस 6, इसलिए बराबर है क्या 6 और माइनस 6 नहीं है ना बराबर, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं घटाव में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता। अगला है नंबर 3 गुणन, गुणन में पालन होता है, आप क्यों देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 5 बटे 2 गुणा 4 बटे 7, इसको आपने काटा तो 1 अंक 2 4 5 बटे 10 बटे 7, आपने इसको उल्टा कर दिया, 4 बटे 7 को पहले लिख दिए और 5 बटे 2 बाद में लिख दिए, क्रम बदल दिया, 2 1 2 2 3 4 अब भी वही 10 बटे 7 होता है, तो आपका क्रम उल्टा सुलटा करते हैं, इसको पहले ये खत्म हो गया, इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, कोई उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब उसमें क्रम विनिमयता का पालन होता है। अगर उत्तर में प्रभाव पड़ेगा तो क्रम विनिमयता का पालन। नंबर 4 भाग, भाग में
फल देवता बाग में क्योंकि जो सीधी सी बात है दसवें आपने बाग दिया होगा भाई पांच अगर आपने दोनों भाग दे दिया दस का कितने आ जाएंगे दो बटे दस बराबर जीरो पांच ये आपके क्रम विनिमेयता पढ़ी। ठीक है अब अपन पढ़ेंगे योज्य तत्समक गुणात्मक तत्समक योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम इनके बारे में पढ़ते हैं सवाल आएंगे संबंधित। देखिए जानकारी दी किताब में भी लिखा हुआ है उसमें से आप पढ़ सकते हैं सारे बना सकते हैं और भी है पूर्णांक मुझे लिया है बहुत सारी संख्या ऐसी स्थिति में आपके सामने से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले योज्य तत्समक देखिए सीधी तौर पर बात करें तो ऐसी संख्या बताइए आप जिसको किसी भी संख्या में जोड़ें तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वो कहलाता है आपका युज्य तत्समक। युज्य तत्समक कहलाता है। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी जिसको किसी संख्या में जोड़े दस है दस में क्या जोड़े कि दस ही आना चाहिए तो दस में क्या जोड़े जीरो जोड़ दो दस ही आएगा। पाँच है पांच में क्या जोड़ा जाए कि पांच ही प्राप्त होना चाहिए तो क्या हो जाएगा जीरो जोड़ दो पांच में तो जीरो क्या कहलाता है योज्य तत्समक कहलाता। ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या के मूल मान में कोई परिवर्तन हो तो वह संख्या योज्य तत्समक कोई परिवर्तन नहीं हो तो वह संख्या युज्य तत्समक कहलाती है। तो आपको पता है ऐसी संख्या ढूंढो जिसका युज्य तत्समक मुझे युज्य तत्समक शून्य उत्तर जीरो होता है। तत्समक क्या होता है जीरो एग्जाम्पल तौर पर समझे कि पांच में क्या जोड़ा जाए पांच ही आए क्या जोड़ेंगे जीरो जीरो क्या कहलाता है युज्य तत्समक माइनस दस है माइनस दस जोड़ा तो माइनस से दस ही रहेगा
तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ दो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीरो क्या कहलाता है? ठीक है, आगे पीछे कैसे जुड़े तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि योज्य तत्समक क्या कहलाता है? जीरो। फिक्स है योज्य तत्समक से जुड़े। अब आप पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। ये क्या होता है कि एक संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको जोड़ दिया जाए उसमें तो उसका मान क्या हो जाए? योज्य तत्समक के बराबर, अर्थात शून्य। किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ो जिसको जोड़ने पर जीरो आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है? उसका योज्य तत्समक कहलाती है। वह संख्या परिवर्तन वह संख्या जिसे जोड़ने पर योज्य तत्समक प्राप्त हो या फिर दूसरी भाषा में बोलेंगे सीधे तौर पर ढूंढेंगे कैसे? किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसी संख्या के विपरीत विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है। ठीक है, तो वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योज्य तत्समक प्राप्त हो तो वह संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। वह संख्या जिसे किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसी संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है। और एग्जाम्पल देना चाहिए क्या होगा? 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, 1 - 1/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5 माइनस की संख्या तो प्लस की संख्या, और प्लस की संख्या होती है तो माइनस की संख्या, उसका योज्य प्रतिलोम कहलाती है। इस तरीके से तो ये आपका योज्य तत्समक दोनों चीज हो गई। ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि योज्य तत्समक का मान तो क्या होता है? शून्य, और प्रतिलोम क्या होता है? उसी संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या उसका योज्य प्रतिलोम कहलाती है, या वह संख्या जिसे जोड़ा जाए किसी संख्या में और शून्य प्राप्त हो जाए तो संख्या आपस में क्या कहलाती है? योज्य प्रतिलोम कहलाती है।
ये बात है कि परिभाषाएं याद हो, सवाल तरीका समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अपने कोई चीज़ समझ में नहीं आती है फिर फोन नंबर फोन करके और संपर्क कर लेना, तो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से करना है। थैंक यू।